बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम फीचर इंजीनियरिंग को पढ़ने वाले हैं। देखें, अगर हम अपने फीचर इंजीनियरिंग के टॉपिक पे थोड़ा फोकस करें तो हमारे पास बेसिकली ये चार मेन कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, फीचर कंस्ट्रक्शन, फीचर सिलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन। अगर हम बात करें फीचर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो इसमें हैंडल नल वैल्यूज, हैंडल कैटेगोरिकल डेटा, आउटलायर डिटेक्शन एंड फीचर स्केलिंग, ये हम बार बार लगातार कई दफा कर चुके हैं कि हमने नल वैल्यूज को देखा कैसे हैंडल करना है, हमने देखा कि कैटेगोरिकल डेटा पे, बल्कि मैंने इस पे आपको एक अच्छी असाइनमेंट भी दी थी अगर आपको याद हो, जिसमें हम बाइनरी मतलब वन हॉट इनकोडिंग, डमी इनकोडिंग, हमने बहुत सारी इनकोडिंग टेक्निक्स देखी हैं। फिर उसके बाद आउटलायर डिटेक्शन भी आप कर चुके हो, फीचर स्केलिंग, मिन मैक्स स्केलिंग, क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मेशन, हम फीचर स्केलिंग वगैरह भी सारा काम हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं फीचर कंस्ट्रक्शन की तरफ। ठीक हो गया, तो फीचर कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक आता है फीचर स्प्लिटिंग। ठीक हो गया, तो हम ये अभी इन दोनों को देखेंगे कि फीचर कंस्ट्रक्शन की लॉजिक क्या होती है और फीचर स्प्लिटिंग की। ये थोड़ा सा इंट्यूटिव किस्म का काम है, इसके लिए थोड़ी सी आपको लॉजिक लगानी पड़ती है, ये भी हम समझते हैं कि दोनों क्या होते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर कंस्ट्रक्शन की। लेकिन फीचर कंस्ट्रक्शन से पहले हमें ये समझना होता है कि जब भी हम फीचर कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो हमें उसके लिए सबसे पहले डेटा की डोमेन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसका डोमेन नॉलेज होना चाहिए। ठीक हो गया, मिसाल तौर पे मैं अगर नोटेशन करूं आपके लिए, मिसाल तौर पे अब मेरे पास ये दो वेरिएबल्स हैं, ये फीचर्स हैं, एक है एस आई बी एस पी और एक है पी ए आर सी एच। ये एस आई बी एस पी मीन्स सिबलिंग स्पाउस और पी ए आर सी एच यानी कि पेरेंट चाइल्ड। अब ये टाइटैनिक का डेटा, इसमें हमारे पास ये दो फीचर्स है, अब हम इन दो फीचर्स पे थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने लिखा इट मीन्स सिबलिंग स्पाउस और पेरेंट चाइल्ड, पी ए आर सी एच मीन्स पेरेंट स्लैश चाइल्ड, तो क्यों ना हम सिबलिंग स्पाउस और पेरेंट चाइल्ड को मिलाकर एक न्यू फीचर बना लें। ठीक है, लेकिन ये न्यू फीचर आप तभी बनाएंगे ना जब आपको इसके मतलब पता होगा। एक बंदा है उसको सिबलिंग स्पाउस एस आई बी एस पी का मतलब ही नहीं पता या पी ए आर सी एच का मतलब ही नहीं पता, तो कैसे न्यू फीचर बनाएगा, न्यू फीचर बना ही नहीं सकता। तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और सोचें कि यहाँ पर हम कौन सा न्यू फीचर बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर न्यू फीचर बना सकते हैं फैमिली साइज का, लाइक क्वाइट सिंपल है ना। देखिए, एक बंदा टाइटेनिक में आया है, अगर उसके पास लाइक उसके वो बीवी बच्चे भी ज्यादा लाया है, वो पेरेंट चाइल्ड भी है, तो हम कहते हैं उस जो टाइटैनिक में जो हम कह सकते हैं यहाँ पे फैमिली साइज बड़ा है। ठीक है, जो टाइटैनिक में ट्रैवल कर रहा है, अगर एक बंदा अकेले आया है तो उसका तो लाइक फैमिली साइज मतलब कम होगा ऑब्वियसली। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दो फीचर्स की इंफॉर्मेशन को इस फैमिली साइज में इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हम इसमें इसको कैटेगोरिकल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं अगर एक बंदा अकेले आया है तो उसको मैं कह देता हूँ भाई जीरो असाइन कर देता हूँ, अगर एक स्मॉल फैमिली है तो उसको मैं वन कर देता हूँ, एक लार्ज है तो उसको मैं टू कर देता हूँ। अब ये जो हमने काम किया ना बेसिकली फैमिली साइज का, ये बेसिकली क्या है, फीचर कंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया, अब मैं जरा बैक स्लाइड पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा अकेले आया, सपोज उसका वन आया, मतलब वो अकेले है ना, वन तो आया ना, तो उसको मैंने जीरो क्लास असाइन कर दी। अगर एक फैमिली छोटी है, मैं कहता हूँ कि एक से लेके चार तक लोग आए टोटल, तो इसको मैं स्मॉल फैमिली साइज कह रहा हूँ। अगर एक में पांच या उससे ज्यादा लोग आए हैं, मतलब उससे जितना भी बड़ा हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लार्ज फैमिली साइज है। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी लॉजिक बन रही है। तो अब आपको समझ पड़ गई कि एग्जिस्टिंग फीचर्स से हमने कैसे न्यू फीचर्स बनाने हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आपको डेटा का पता हो। ठीक हो गया, तो फीचर कंस्ट्रक्शन तो हमने समझ लिया, अब हम आते हैं फीचर स्प्लिटिंग की तरफ। फीचर स्प्लिटिंग में आप देखें, अगर हमारे पास क्या है, मिसेस समीर है। ठीक है, अब मिसेस समीर एक नेम है, ठीक है, यानी समीर की बीवी होगी सपोज हम कहते हैं। अब ये हमने मैंने इसको क्या किया, मिसेस समीर को मिसेस और समीर के नाम के जो मैं इसको दो उसमें स्प्लिट कर लिया। ठीक हो गया, एक हो गया समीर, एक हो गया मिसेस। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसकी कोडिंग की तरफ। ठीक है, कि ये किस तरह हो रहा है वीएस कोड में, तो हम चलते हैं जरा अपने वीएस कोड की तरफ। ठीक हो गया जी। अच्छा, बाय द वे मैंने यहाँ पे गलती कर ली, फीचर सिलेक्शन लिख लिया है,
ये यहाँ पे फीचर कंस्ट्रक्शन मुझे लिखना चाहिए था, मुझे टेलीग्राम पे वॉइस करें, मैंने क्या गलती की है। ये तो मैंने सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली है, सब आपको बताऊंगी, ये सारी लाइब्रेरी हम पढ़ चुके हैं। ये क्रॉस वैलिडेशन कोर्स स्कोर जो है सिर्फ स्कोर चेक करने के लिए कि आपका स्कोर अच्छा है या नहीं, ठीक है। और तो अब मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था टाइटैनिक का डेटा सेट, ठीक हो गया। ये आपके पास मैंने टाइटैनिक के डेटा सेट को सिंपली लोड करवा दिया, ठीक हो गया। फिर अब मैंने ये लोड किया है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नल वैल्यूज को इसलिए ड्रॉप करा है क्योंकि मेरा अभी मकसद से फीचर कंस्ट्रक्शन पढ़ाना है अभी, और इधर उधर की चीजें नहीं। तो सबसे पहले मैं इससे कुछ फीचर्स को सपोज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं टाइटैनिक के डेटा से कहता हूँ भाई मेरे लिए आप जो DF में जो एज है, पी क्लास है, सिबलिंग स्पाउस है, पेरेंट चाइल्ड है, इन चार फीचर्स के एक्स के लिए रख लो और आउटपुट मेरा क्या है सर्वाइव्ड की बेस पे हो, ठीक हो गया। अब हम इस तरह करेंगे कि मैं इस तरह करता हूँ, मैंने एक्स और वाई सिलेक्ट कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि क्या करूँ, एनपी डॉट मीन क्रॉस वैलिडेशन स्कोर लगा रहा हूँ, सिंपली मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे देखे क्रॉस वैलिडेशन स्कोर में मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन दिए और एक्स वाई दिए, ठीक है, और यहाँ पर मैंने CV इज इक्वल टू 5 दिए। ये एक और तरीका है वो चेक करने का एक्यूरेसी, यहाँ पे देखे मैंने क्या किया, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर लिया है, उसको आप क्या करते हैं एक एल्गोरिथम सबसे पहले पास कराते हैं, फिर आप उसको इनपुट अपना आउटपुट और आपके जो क्रॉस वैलिडेशंस आप जितने भी परफॉर्म करो, आप चार हिस्सों में अपने डेटा को डिवाइड करना चाहते हैं, मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और फिर उसका मीन लेके प्रिंट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे एक्यूरेसी कोई 70% समथिंग आ गई है, ठीक है, इन चार फीचर्स की बेस पे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बताऊँ फीचर कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक है, फीचर कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने लिया फैमिली साइज और फैमिली साइज का एक न्यू फीचर बनाया है। फैमिली साइज आप चेक कर लें, टाइटैनिक के डेटा में नहीं था, उसमें मैंने कहा है कि इसमें सिबलिंग स्पाउस डाल दो प्लस पेरेंट चाइल्ड डाल दो, ठीक है, ये इसके एडिशन से पता चलेगा ना कितने लोग हैं। लेकिन अगर एक बंदा बिल्कुल अकेला है, उसके सिबलिंग स्पाउस में भी कोई नहीं है और पेरेंट चाइल्ड में भी कोई नहीं आया, तो +1 मैंने उसके लिए डाला है कि वो उस बंदे का खुद भी तो काउंट हो ना, क्योंकि अगर ये दोनों एम्प्टी है तो बंदा बेचारा खुद अकेला तो आया हुआ है ना, तो इसलिए इस वजह से मैंने 1 डाला हुआ। फिर मैंने क्या एक्स डॉट हेड, ये करने के बाद चेक करूं कि क्या नया फीचर आ गया, तो देखें ये देखें जी नया फीचर आ गया, और यहाँ पे आप गौर करें यहाँ पे क्या आया, 2, 1, 3, यानी कि अब ये जो 2 आया ना इसमें एक तो वो उस बंदे का काउंट हो गया, अब ये जो दूसरा 1 आया या वो सिबलिंग स्पाउस से आया या वो पेरेंट चाइल्ड से आया, ठीक है, तो इससे हमें फैमिली साइज का अंदाजा हो गया कि कितनी फैमिली है इसमें, 8 किसी में 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स किसमें कितने, ठीक है। अब मैं इस तरह करता हूँ, अब देखिए इसमें हमें एक नया डेटा सेट भी, एक नया इंसाइट भी निकल सकती है जी के टाइटैनिक में जो सबसे बड़ी फैमिली आई थी उसका साइज कितना है। तो डेटा इज वेरी पावरफुल, अगर आप उसको सही तरीके से उसको एनालाइज करें ना तो डेटा बहुत पावरफुल चीज है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई वो जो मैंने शुरू में आपको स्लाइड में बात बताई थी कि अब मैंने फैमिली की कैटेगरी देनी है, मतलब अगर कोई अकेले आए तो उसको 0 कहना है, कोई स्मॉल फैमिली के साथ आए तो उसको 1 कहना है, कोई लार्ज फैमिली के साथ आए तो उसको 2 कहना है। तो अब आप जरा यहाँ पे आए, मैंने क्या किया सिंपल एक फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है, उसमें एक इनपुट पैरामीटर नंबर का दिया, मैं कहता इफ नंबर इज डबल इक्वल टू 1 तो ये अलोन है तो रिटर्न 0 करो, अगर नंबर क्या हो 1 से ग्रेटर हो और 4 से कम हो या उसके बराबर हो तो स्मॉल फैमिली है तो रिटर्न 1 करना, वरना अगर क्या कहते हैं, अगर ये इन दोनों में से केस ना हो तो ऑब्वियसली लार्ज फैमिली होगी। अच्छा मैंने यहाँ पर एक लॉजिकल मिस्टेक की है इंटेंशनली, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि यहाँ पे आप थोड़ा ब्रेन लगाए मैंने क्या मिस्टेक की इसमें सोचे। अच्छा अब इसमें ये मिस्टेक हुई है कि जो डर्टी डेटा है वो भी इसको ये इसको इनपुट नहीं लेगा। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास अकेले बंदा आया तो ये वाला चल पड़ेगा, 1 से 4 के दरमियान आया तो ये वाला चल पड़ेगा, और अगर कोई भी नहीं आया तो वो उसको लार्ज फैमिली कंसिडर लेगा। सपोज हम मैं कहता हूँ मेरे डेटा में कुछ गलत पॉइंट्स थे, क्योंकि ये जो फैमिली साइज है ये तो बना ही सिबलिंग स्पाउस और पेरेंट चाइल्ड से, मैं कहता हूँ कि सिबलिंग स्पाउस में -3 पड़ा हुआ था और इधर पड़ा हुआ था -2, जब ये दोनों ऐड हो गए -3 -2 कितने हो गए -5 +1 -4, तो क्या -4 फैमिली साइज हो सकता है, मतलब इसकी तो कोई तुक ही नहीं बनती। तो ये क्या करेगा, अगर -4 आ जाएगा तो LC उसको लार्ज फैमिली कह देगा, तो ये मैंने
एक फंक्शन में आपको बताया कि यहाँ पे इसमें कमजोरी है इस फंक्शन में, ठीक हो गया, ये फंक्शन भी हमने समझ लिए। अब हम इस तरह करते हैं कि इस फंक्शन को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये डॉट अप्लाई का फंक्शन है, जब आप इसको किसी भी सीरीज में, मतलब जो डेटा फ्रेम का जो एक कॉलम होता है उसको सीरीज कहते हैं, एक कॉलम आप कहते हैं, जब उस पर आप डॉट अप्लाई करके जो भी आप फंक्शन लगाते हैं तो पूरा फंक्शन उस पर अप्लाई हो जाता है। और मैंने एक न्यू फीचर बनाया फैमिली टाइप के नाम से, ठीक है। अब मैंने फिर इसका हेड किया, तो आप चेक कर देखें फैमिली टाइप में क्या आ रहा है, 1 1 1 0 1 1 0, यानी 0 मीन्स ये बंदे अकेले आए हैं, 1 मीन्स कि किसी ने किसी के साथ, मतलब पेरेंट चाइल्ड या स्पाउस या सिबलिंग वगैरह किसी के साथ आए हैं, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे एक बात पे गौर करें, देखें हमने पहले क्या किया था, ओरिजिनल डेटा सेट, हमने मैं ओरिजिनल डेटा सेट निकाल लेता हूँ, जो हमने हमने क्या किया था, सिबलिंग स्पाउस की बेस पर, इन दो फीचर्स की बेस पर हमने एक नया फीचर बनाया था, डेट इज फैमिली साइज, और फिर फैमिली साइज की बेस पर एक न्यू फीचर बनाया था, फिर उसी फीचर को थोड़ा और उसमें वो करके ट्रांसफॉर्मेशन करके कुछ उसमें चेंजेस कंडीशंस लगा के हमने फैमिली टाइप का एक नया फीचर डाल दिया, ठीक हो गया। और ये आपको पता है कि हमने डॉट अप्लाई के फंक्शन को यूज किया और उसके अंदर फैमिली कैटेगरी के फंक्शन को एज एन इनपुट पैरामीटर पास किया, तो सारा फंक्शन इस फैमिली साइज पे अप्लाई हो गया और वो फिर चला गया फैमिली टाइप में, ठीक हो गया। तो अब हम अगर इन तीनों को ड्रॉप करवा देना, सिबलिंग स्पाउस पेरेंट चाइल्ड फैमिली साइज, तो हमें इन तीनों फीचर्स की अब जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इन तीनों की इंफॉर्मेशन इस एक में आ चुकी है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैंने इसको सिंपली एक्सेस वन इन प्लेस टू ड्रॉप करवा दिया, ठीक है। ये अब हम क्या करते हैं, फिर हमने क्या किया, एनपी डॉट मीन, एनपी डॉट मीन लिया, फिर हमने लिखा क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, ये बहुत सिंपल है, इसमें क्या आपने पहले एल्गोरिथम देना होता है, ठीक है, इनपुट वेरिएबल देना होता है, आउटपुट वेरिएबल देना होता है, अपनी क्रॉस वैलिडेशन बतानी होती है कि आप कितने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में अपने डेटा को डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमने बहुत डिटेल से ग्रिड सर सीवी में पढ़ा है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, हमने इसकी बेस पे इसने हमें एक्यूरेसी बता दी, ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि फीचर सिलेक्शन को पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल। फीचर सिलेक्शन में हमारे पास क्या होता है, इस दफा मैंने एक और डेटा सेट यूज किया, ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, इशू नहीं है, ये भी टाइटैनिक है लेकिन डिफरेंट चीज इसमें कुछ डिफरेंट है, जैसे इसमें नेम है, टिकट गिवन है, कुछ इस तरह का थोड़ा सा काम डिफरेंट है इसमें टाइटैनिक के, बस बाकी वही है, बस थोड़े से कुछ वेरिएबल्स कम है और कुछ इन्होंने ये न्यू दे दिए है, नेम का जैसे हो गया, टिकट वगैरह का हो गया, कैबिन का हो गया, थोड़ा सा टाइटैनिक का डिफरेंट वाला डेटा, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे फीचर सिलेक्शन करना चाहता हूँ, जो मैंने आपको स्लाइड में समझाई थी उस वक्त, मैंने डीएफ नेम का कॉलम ले लिया, जब मैंने इसको प्रिंट किया तो मेरे पास क्या आया है, जो सबके नेम्स थे, ठीक है, सबके नेम्स थे। अब मैं इस पे इससे कुछ चीज सिलेक्ट करना चाहता हूँ, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाईजान मेरे लिए डीएफ नेम को आप स्प्लिट कर दो कॉमा की बेस पे, ठीक है, और साथ मैंने लिखा है 0, इसका क्या मतलब है। अच्छा, मैं इस तरह करता हूं, पहले इसको स्प्लिट, इसको मैं कॉपी करता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या। मैं यहां पे ऐसा करता हूं, पहले लिखता हूं 0, 0 अगर आप देखें ना 0 पे क्या आ रहा है, 0 में हमारे पास आ रहा है ब्रैट, कमिंग्स, हाइकन्स, फ्रिटन, फ्यूटरले, जो भी है एलन, ये सारे नेम्स आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा है कि जो डीएफ नेम है उसको तुम स्प्लिट करो कॉमा की बेस पर, किसकी बेस पर, कॉमा की बेस पर, ठीक हो गया। यहाँ पे भी कॉमा है, यहाँ पर भी कॉमा है, यहाँ पर भी कॉमा है। अब क्या हुआ है, जो कुछ कॉमे से पहले था वो अब 0 बन गया, मतलब 0 कॉलम में, और जो कॉमे के बाद है वो 1 बन गया। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ है, ये कमिंग्स पे कॉमा था, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया। अब यहाँ पे देखें हाइकन, यहाँ पे कॉमा था, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया, 1 मिस नहीं बने, बाकी सारी स्ट्रिंग 1 बन गए। ये फ्यूटरले जो भी इसका नाम है, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया। एलन देखें वो आपके भैया, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया, ठीक हो गया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने जीरो लिखा है तो जो जीरो जीरो वाले थे वो सारे आ गए, ठीक हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे वन लिखता हूँ, तो आप देखेंगे जो वन वन कॉमा के बाद थे वो सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है फिलहाल, अभी मैंने जीरो वाला आपको बताया कि इसका मतलब क्या। अब यहाँ पे देखें, इससे आपको ये समझ आ गई है कि जीरो वन में क्या। अब मैंने क्या किया, डी एफ का नेम ले रहा हूँ, उसको स्प्लिट कर रहा हूँ कॉमा की बेस पे, ठीक है। और उसमें से कौन से वाला ले रहा हूँ, वन वाला। वन वाले में क्या था, अगर ये तो जीरो वाला है ना, अब मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे वन लिखता हूँ। वन में देखें क्या है, वो जो कॉमा के बाद जो मिस्टर था ये वाला हिस्सा ले रहा हूं। अब मैं इधर गया, कहाँ गया, हाँ मैं इसको थोड़ा सा रन करके मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या किया। ये इसका मतलब ये है कि जो मिस्टर के बाद वाला हिस्सा ये वाला, क्यों, क्योंकि मैंने लिखा है वन। अगर मैं जीरो लिखता तो कॉमा से पहले वाला आता, अगर मैंने वन लिखा है तो कॉमे के बाद वाला आ गया, ठीक हो गया। फिर मैं कह रहा हूँ उस वन वाले हिस्से को यानी इस वाले हिस्से को तुम स्प्लिट करो डॉट की बेस पे। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखिए हर मिस या मिस्टर के बाद डॉट लिखा हुआ है, डॉट लगा हुआ है। तो अब जब यहाँ पे इधर स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आप देखो सिंपली हमारे पास ये जीरो बन जाएगा, ये वन बन जाएगा, फिर ये देखे ये जीरो बन जाएगा, ये वन बन जाएगा, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा है डी एफ टाइटल, सिर्फ टाइटल और नेम। तो ये इसका जो आउटपुट था मैंने किसमें डाला है, टाइटल में। तो आप देखे टाइटल में क्या आ रहा है, मिस्टर आ रहा है, मिसेज आ रहा है, मिस आ रही है, मिसेज आ रही है, मिस्टर आ रहा है, आर ई वी मिस, मतलब हर एक का टाइटल आ रहा है। तो इससे ये क्या हुआ, हमने फीचर सेलेक्ट कर लिया, टाइटल वाला अलग कर लिया और नेम वाला अलग कर लिया। तो ये है बेसिकली हमारे पास फीचर सिलेक्शन है, ठीक हो गया। अब मैं इसमें कुछ एक काम करता हूँ कि मैं टाइटल की बेस पे मीन लेता हूँ और सर्वाइव की, और कहता हूँ कि कितने सर्वाइव हुए हैं। ये कोड बहुत ही सिंपल है, मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ टाइटल की बेस पे और मैं कह रहा हूँ मीन, और इसको मीन करो, लेकिन किस वाले के, किस कॉलम के साथ मीन करो, सर्वाइव वाले के साथ करो, ठीक। यानी इस टाइटल नाम का जो कॉलम है इसका मीन ले लो, ग्रुप बाय करके हर एक का मीन लो, लेकिन सर्वाइव की बेस पे। तो आप देखें मेरे पास जो वन, बहुत सारों के वन वन आए हुए। इसकी रीजन भी ये है कि इनकी क्वांटिटी भी बहुत कम है, मतलब एम एल ई मिस लेडी, ये हर हर लड़की या हर खातून लेडी नहीं होती या। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप एक इनसाइट निकल गई है कि मिसेस का जो सर्वाइवल रेट है वो 79% है और जो मिस का जो सर्वाइवल रेट है वो 69%। अब मैं इसमें आपको ऐसे मिसाल दे सकता हूँ कि भाई जो शादीशुदा खवातीन थी उनकी सर्वाइवल रेट ज्यादा हुआ है और जो गैर शादीशुदा थी उनका सर्वाइवल रेट कम रहे। हो सकता है कि इसकी एक रीजन ये हो सकती है कि हम कहते हैं जो मैरिड खवातीन थी उनके जो हस्बैंड मे बी अवेलेबल हों वहाँ पर, उन्होंने उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको बचाने की कोशिश की, दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो इस टाइम एक और इंसाइट मिल गई है कि जो मिसेज है यानी जैसे तो खातिन थी वो 79% यानी ऑलमोस्ट कोई 80% तक सर्वाइव की और मिसेज जो अनमेरिड थी उनके सर्वाइवल कम हुआ है। अब यहाँ पे आप मेल्स का चेक कर लें, अगर आदमियों का अगर आप चेक कर लें तो हमारे पास ये देखें कितना कम आया है, मिस्टर का ओनली 15%, बहुत ही कम है। मतलब फीमेल्स का सर्वाइवल रेट, क्योंकि हम मतलब जब भी इस तरह की क्रॉनिक सिचुएशन हो तो जो बूढ़े लोग होते हैं या जो खवातीन होती हैं और जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसकी इतनी सर्वाइवल रेट मर्दों का बहुत कम था, औरतों का ज्यादा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कैप्टन का 0%, अब कैप्टन तो एक ही होता है या दो तीन होते हैं, अब दो तीन मर गए तो इसलिए इसका 0% आ गया, तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ से इनसाइट्स मिल सकती हैं इंटरेस्टिंग। तो ये था हमारा बेसिकली फीचर कंस्ट्रक्शन एंड फीचर सिलेक्शन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, बड़ा इजी है।